अरे तुम लोग को इतना भी नहीं पता, संत शंभु श्री पति अपवादा, सुनिए जहां तह असि मर्यादा। संत ब्राह्मण माता पिता गुरु भगवान शिव भगवान विष्णु और शास्त्र के निंदा जो करे वहां का नियम क्या है, मां सती कह रही है, संत शंभु श्री पति अपवादा, सुनिए जहां तह असि मर्यादा, काटिय तासु जी भी जो बसाई, श्रवण मूदिनत चलिए पराई। माता पिता संत शास्त्र भगवान विष्णु भगवान शिव गुरु की अगर कोई निंदा कर रहा हो तो रामचरितमानस कहती है कि बस चले तो उसकी जीभ काट लो, क्या कर लो, बस चले तो जीभ काट लो, और अगर बस ना चले तो कान बंद करके भाग जाओ, लेकिन सुनो मत, तुम भी दोषी होगे। संत शंभु श्री पति अपवादा, सुनिए जहां तह असि मर्यादा, काटिय तासु जी भी जो बसाई, श्रवण मूदिनत चलिए पराई। अर्थात भगवान के निंदा गुरु के निंदा माता पिता के निंदा ना करो ना सुनो। सौ बार महागया कर दिया जाए तो भी जिसने माता पिता को प्रताड़ित किया है दिल दुखाया है उसका उद्धार नहीं होता। तो महाराज आप सब तो ऐसे बहुत अच्छे हो, लेकिन आगे भविष्य में भी कभी कितनी भी विषम से विषम परिस्थिति क्यों ना आ जाए, माता पिता बड़े बुजुर्गों का आदर करना, उनके हृदय को मत दुखाना। बुढ़ापे में बुद्धि थोड़ी चिड़चिड़ी हो जाती है, तुम ही कभी बीमार होते हो, बुखार वगैरह कुछ होता है तो छोटी छोटी बात पर गुस्सा आता है, चिड़चिड़ापन हो जाता है। तो वो तो वृद्ध हो गए, माता पिता हैं तो छोटी छोटी बात में चिड़चिड़ापन आता है, उनकी बातों को भी नजरअंदाज करके उनसे प्रेम करो, उनको डांटो मत, उनसे ऊंची आवाज में बात मत करो। याद करो बचपन में तुम पूछते थे माँ ये क्या है, तो माँ कहती थी कौआ। फिर पूछते थे ये क्या है, फिर माँ कहती थी। सौ बार पूछते थे एक भी बार माँ गुस्सा नहीं होती थी, हर बार प्रेम से बताते थे कि कौआ। और आज बुढ़ापे में एक दो बार तीन बार पिताजी माताजी ने कोई बात कह दी तो हम आपको क्रोध आ जाता है कि क्या बार बार बोलते हो, खाना मिल गया ना आपको, बैठो, हम लोग सब काम कर रहे हैं, माला जपो बैठ करके, बोला मत करो पिताजी। मैंने खुद अपने कानों से सुना है कई लोगों को, ये महापाप है महाराज। तुम अपने घर में विराजमान साक्षात माता पिता त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव वही है, तो तुम्हारे माता पिता के रूप में भी वही है। जब इन्हीं से प्रेम भक्ति नहीं कर पाए तो बताओ ये मुखौटा ओढ़ कर ये चालाकी किससे करोगे, ये धोखा किसको दे रहे हो? कोई व्यक्ति अपने माता पिता का तिरस्कार करके भगवान को जाकर के खूब माथा रगड़े तो क्या भगवान को क्या समझ रहे हो? वो देख नहीं रहे कि तुम अपने माता पिता का अपमान करके आ रहे हो? वो तुमको किस नजर से देखेंगे कि देखो कितना बड़ा नाटककार है, कितना बड़ा अभिनय करता है, कितना बड़ा बहुरूपिया है, अभी घर में माता पिता पति पत्नी को कैसे बिहेव किया और मेरे पास आके मेरी भक्ति कर रहा है, ये तो दो मुखड़ा हो गया ना। सच्ची भक्ति वो है जब सब में परमात्मा का दर्शन करो, सी राम मय सब जग जानी, करो प्रणाम योरी जुग पानी। हाँ एक प्रश्न उठता है कि अगर माता पिता पति पत्नी ऐसे ना हो कि जिनके साथ चलाया जा सके तो क्या किया जाए? तब हरी इच्छा जो विधि विधान है उसको होने का वश मानकर जो हो रहा है होने दो, लेकिन अपनी तरफ से कुछ गलत मत करना। प्रेम से कहो जय श्री राधे।